हाय फ्रेंड्स, और बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के आखिरी गेम वीक के जो मैचेस हैं। देखिए, लिवरपूल और वोल्स का मैच ये इस सीज़न का आखिरी गेम है, और आखिरी क्या, जितने भी प्रीमियर लीग के मैचेस हैं जो 10 होते हैं एक गेम वीक में, वो सारे एक ही समय पर आज भारतीय टाइम के अनुसार 8:30 बजे है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच अभी भी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के बीच में से कोई एक आज टाइटल लेके जाएगा। हालांकि सिटी के हाथ में ये टाइटल की मैं बोलूँगा चैम्पियनशिप है, बिकॉज सिटी अगर अपना गेम जीतता है तो लिवरपूल कुछ भी कर ले, लिवरपूल चैम्पियन नहीं बन सकता। लेकिन सिटी ने अगर ड्रॉ किया या वो गेम हार गया और लिवरपूल अपना गेम जीत गया तो लिवरपूल चैम्पियन बन जाएगा। तो इसी वजह से इस गेम में, चाहे वो लिवरपूल का गेम है चाहे मैनचेस्टर सिटी का गेम है जो हम कवर करेंगे, दोनों गेम से बहुत प्रेशर रहेगा, और दोनों ही गेम्स में आपको थोड़ा सा टेंटेटिव खेलने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जो अपोजिंग टीम है उसके पास भी चांसेस आएंगे कि वो अच्छा करें, वो इसमें कुछ ना कुछ लेके जाएं। चलिए, इस मैच की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि लिवरपूल के लिए है, भले ही लिवरपूल इस समय क्वाड्रपल चेस कर रहा है। देखिए, कारोबाक और कप और एफ ए कप वो जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग का फाइनल अगले सैटरडे उनका मैच रियल मैड्रिड के साथ है, और यहाँ पर भी अगर जीते हैं तो इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई टीम क्वाड्रपल जीती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लिवरपूल ने इस पूरे सीज़न में दी है अभी तक, और हमें लगता है कि वुल्स, जिन्होंने लास्ट के 6 में से 4 प्रीमियर लीग के जो मैचेस हैं हारे हैं और सिर्फ 2 गेम ड्रॉ किए हैं, वो काफ़ी बेकार फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन उनके पास खोने का कुछ नहीं है। तो हमें लगता है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा लिवरपूल का डोमिनेंस देखने को मिल सकता है और लिवरपूल यहाँ से जीत सकता है। चलिए, टीम की बात करें, आगे किन किन प्लेयर्स को हम सिलेक्ट करें। देखिए, मो साला ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं और शायद इस गेम में स्टार्ट करेंगे। हालांकि 100% श्योर नहीं है कि साला स्टार्ट करेंगे या नहीं, लेकिन अब गोल्डन बूट का सवाल है, क्योंकि गोल्डन बूट की फाइट में उनका और सॉन का सिर्फ 1 गोल का अंतर रह गया, और सॉन साला को चेस कर रहे हैं बड़े ही घातक तरीके से हम बोलेंगे, बिकॉज साला ने लास्ट के कुछ गेम्स में उनकी परफॉर्मेंस जरूर टेपर ऑफ हुई है, लेकिन 22 गोल अभी भी हैं। कोशिश करेंगे अगर साला स्टार्ट करेंगे कि तो इसमें ऐड करें, तो साला को आप ज़रूर लीजिए। वहीं पर जो बेस्ट प्लेयर हैं राहुल जिमेनेज़ वुल्स के, देखिए वुल्स ने इतना अच्छा नहीं किया जितनी आशा थी, और राहुल जिमेनेज़ एक मैं बोलूँगा एक पेनल्टी टेकर भी है टीम के लिए, और थोड़ा अच्छा भी खेल रहे हैं। 29 स्टार्ट्स में 6 गोल 3 असिस्ट किए हैं, ये बेस्ट बैट है। अगर यहाँ से कुछ अच्छा करते हैं बुल्स तो उनको लीजिए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर्स हैं जो पोर्चुगल मिडफील्डर्स हैं, रूबेन नेवेज़ और जाओ मोटिनियो, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैं नेवेज़ की बात करूँगा, नेवेज़ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी लिंक हुए हैं इस बार, देखते हैं वो रहते हैं बुल्स से कि ट्रांसफ़र लेते हैं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पर आप बात करें दोनों प्लेयर्स के इंटरसेप्शन टैकल्स की, तो देखिए रूबेन नेवेज ने 54 इंटरसेप्शन और 43 टैकल, 54 इंटरसेप्शन 43 टैकल्स, तो ये फिगर 97 होती है। और वहीं पर जाओ मोटिनियो ने 48 इंटरसेप्शन और 53 टैकल्स, ये बहुत हाई नंबर है अगर आप किसी भी प्लेयर की बात करें। इन दोनों का एडिशन मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपको दोनों ये बहुत अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए बहुत लोगों ने भी लिया। वहीं पर लुइस डियाज हमने लिया, देखिए लुइस डियाज को सिर्फ 15% लोगों ने किया। जब से लुइस डियाज आए हैं लिवरपूल में बहुत तहलका सा मचा दिया जिस तरीके से खेल रहे हैं, 10 स्टार्ट्स में 4 गोल 3 असिस्ट किए हैं, तो हमें लगता है कि आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हमने लुइस डियाज को भी टीम में लिया है। साथियों, माने इस गेम में ज़रूर खेलेंगे, 15 गोल 2 असिस्ट किए, 31 स्टार्ट्स में ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मो साला की जगह पर साथियों माने शायद बैलन डोर के लिए ज़्यादा प्रबल दावेदार है, वो देखना होगा, लेकिन साधियो माने अगर खेलेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी टीम में ऑटोमेटिक चॉइस होने चाहिए। यहाँ पर क्रेडिट की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, कोई प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जॉर्डन हेंडरसन जैसे प्लेयर जो लिवरपूल के कप्तान है, कप्तान इस मैच में ज़रूर खेलेंगे। 28 स्टार्ट्स किए, उन्होंने 2 गोल 5 असिस्ट किए, लेकिन जॉर्डन हेंडरसन के इंटरसेप्शन टैकल्स पासेस आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी देखने को यहाँ जॉर्डन हेंडरसन के मिलेंगे, क्योंकि जॉर्डन हेंडरसन ने भी 48 क्रॉसेस किए, 41 इंटरसेप्शन, 24 टैकल, जो एक सॉलिड परफॉर्मेंस की तरफ दर्शाता है, तो इस वजह से हमने इनको भी लिया है। वहीं पर लिवरपूल की तिकड़ी जो है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वर्जिल वैन डाइक और रॉबर्टसन, ये ऑटोमेटिक पिक होते हैं, बिकॉज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का ये स्टेलर सीजन रहा है, डिफेंडिंग भी उनकी इंप्रूव हुई है अटैकिंग फुटबॉल की जगह के अलावा भी, क्योंकि 2 गोल और 12 असिस्ट किए हैं जो कि एक कमाल का रिटर्न है। वहीं एंड्री रॉबर्टसन ने भी 2 गोल 10 असिस्ट किए हैं, और
लिवरपूल के सुपर रॉक जो वर्जिल वैन डाइक के 34 गेम्स में 3 गोल 1 असिस्ट किए लेकिन इंटरसेप्शन टैकल्स में ये बहुत आगे है। ये टीम अभी हमने बनाई है जिसमें हमने जो गोलकीपर है साह को लिया है, इसमें जो भी चेंजेस होंगे लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद हम बता देंगे, लेकिन इस गेम में थोड़ी टेंशन हो सकती है। अगर वुल्फ स्कोर करे तो लिवरपूल को ये गेम जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लिवरपूल के लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल नहीं है। अगर पैरेलली लिवरपूल ने पहला गोल स्कोर कर दिया और मैन सिटी अगर उस समय ना गोल स्कोर कर पाए या ट्रेल करे तो इसमें काफ़ी बड़ा रोमांच आ सकता है। तो हमारे हिसाब से ये लिवरपूल का जीतना चाहिए गेम, जिसमें साला को कैप्टन, माने को वाइस कैप्टन रखिए या ट्रेंट को वाइस कैप्टन रखिए, मैं दोनों में कंफ्यूज्ड हूँ। थोड़ा सेफ बेट ट्रेंट है क्योंकि ट्रेंट आपको क्लीन शीट प्लस असिस्ट भी साथ दे सकते हैं, लेकिन माने की फॉर्म भी अच्छी है। इस हिसाब से हमने अभी टीम बनाई है 2-0 या 3-0 इस गेम का स्कोर लाइन मोस्ट लाइकली होगा। आप अपनी टीम उस तरीके से बनाइए, लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद जो भी चेंजेस होंगे वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए और बाकी ड्रीम 11 टीम्स के लिए भी हमें फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट और प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी।